मैजिकल प्लास्टिक बॉटल हाउस। राजेंद्रा शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके अपने गांव आया। उसे देखकर पिता रामदास, माँ अरुंधति, बहन विमला बहुत खुश हुए। एक बार राजेंद्रा, पिताजी मैं कल इंटरव्यू के लिए मुंबई जा रहा हूँ, कहा। मातब, क्या नौकरी क्यों करोगे? हमारे पास किस चीज की कमी है? इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते तो पढ़े, हमें छोड़कर 4 साल बाहर रहे। अब बस कल नौकरी के लिए मुंबई गए तो तुम्हें छोड़कर हम कैसे रहेंगे? नहीं, हमारी 20 एकड़ की जमीन, मेन रोड पे मौजूद दुकानों से आने वाली आमदनी बस है ना, फिर भी नौकरी करके कमा कर क्या करोगे? बोली रामदास। सच है रे, तुम कहीं दूर रहकर होटल का खाना खाकर सेहत खराब कर रहे तो हम यहाँ खुशी से रहेंगे कहकर तुमने कैसे सोचा? कहा राजेंद्र। तब वो नहीं पिताजी, मेरी बात तो सुनो, यूँ कुछ कह रहा था अरुंधति जिद करते हुए। तुम नहीं जाओगे, मेरी सौगंध, बोली। राजेंद्र कुछ कर नहीं पाया और वहीं रह गया। एक बार राजेंद्र के पास उसका बचपन का दोस्त उपेंद्र आया। थोड़ी देर अच्छे से बातें करने के बाद उपेंद्र टाइम देखकर, यार फिर मिलता हूँ, मुझे 10 बजे के अंदर ऑफिस में रहना है, नहीं तो मेरे पिताजी मुझे छेड़ी से मारेंगे, कहा। राजेंद्र हंसते हुए, तेरे पिता तुम्हें अभी भी बच्चा समझ रहे हैं क्या? कहा उपेंद्र। तब यार बताना भूल गया, हम एक लोकल रेडियो स्टेशन चला रहे हैं, हमारा रेडियो पूरे जिले को कवर करता है, कहा राजेंद्र। तब ओ ऐसा क्या? सिटी केबल वाले लोकल चैनल्स में सिनेमा डालते हुए महीने को पैसे वसूल करते हैं, मगर तुम्हें रेडियो से आमदनी कैसे मिलेगी? पूछा उपेंद्र। हमारे रेडियो को कम मत आंकना, हमारा रेडियो न्यूज हजारों लोग सुनते हैं, पता है क्या? खासकर किसान, उनके उगाए फसल की बिक्री, मार्केट में उनका दाम कितना मिलेगा, और मौसम के समाचार भी बताते हुए, अगर तूफान आए तो फसल भीगे बिना कैसे सावधानी बरतना है, ऐसे जिले का समाचार बताते हुए हम बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, वही हमारी आमदनी है, कहा। ये सुनकर राजेंद्र उतावला होकर, वेरी इंटरेस्टिंग, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, चलो तुम्हारा लोकल रेडियो स्टेशन देखते हैं, कहा। ऐसे दोनों उस लोकल रेडियो स्टेशन को आकर वहाँ मौजूद उपेंद्र के पिता से मिले, वो राजेंद्र से। क्यों बेटा, ऐसे बिना नौकरी के खाली बैठे तो क्या मिलेगा? मौसम बताने वाला आदमी तनख्वाह बस नहीं हो रही है कहकर बिन बताए नौकरी छोड़कर चले गया, नए लोग आए तक तुम वो काम कर सकते हो ना, टाइम पास भी होगा, कहा राजेंद्र हंसते हुए। ठीक है अंकल, कहा। ऐसे राजेंद्र उस रेडियो स्टेशन में मौसम के समाचार पढ़ने लगा। एक बार राजेंद्र स्टूडियो रूम से हड़बड़ी में बाहर आकर, अंकल वो नदी जो हमारे गांव के पास से बहती है, अगले 24 घंटों में आने वाले बाढ़ के कारण, नदी में अतिप्रवाह के कारण हमारा गांव 10 फीट तक डूबेगा कहकर एक टेलेक्स मैसेज आया, वो कूड़ेदान के पास फेंका हुआ मिला। उसे देखकर पढ़ने के लिए माइक के पास बैठा तो रेडियो ट्रांसमिशन काम नहीं कर रहा था, कहा वो आराम से। वो खबर उतना खास नहीं है कहकर मैंने ही उसे डस्टबिन में फेंका है, कहा राजेंद्र दंग होकर। क्या वो खबर खास नहीं है? कहा वहाँ मौजूद उपेंद्र। राजेंद्र तुमसे एक बात करनी है, मेरे साथ चलो, कहकर उसे बाहर ले जाकर, देखो राजेंद्र तुम नए आए हो ना, तुम्हें कुछ पता नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है, तुम हो इसलिए बता रहा हूँ। बाढ़ में गांव डूबा तो केंद्र सरकार करोड़ों रुपए सहायता निधि देगी, उसमें से आधे से ज्यादा स्टेट मिनिस्टर्स खाकर बाकी के पैसे दान करण के जैसे पब्लिसिटी करते हुए लोगों में बांटेंगे, उन्हें पैसे मिलना हो तो गांव को डूबना ही होगा, कहा राजेंद्र दंग होकर। यानी चेतावनी नहीं दिए तो लोग बाढ़ में डूबने से पहले सावधानी बरत नहीं पाएंगे, बहुत नुकसान होगा, उन्हें वही चाहिए ना, कहकर गुस्से से कहा उपेंद्र। हाँ अगर हम जिद करके ये समाचार बोले तो अगले ही मिनट में हमारे रेडियो स्टेशन के लाइसेंस को कैंसिल कर देंगे, इस वजह से ही मेरे पिताजी भी इस बारे में कुछ कर नहीं पा रहे थे, कहा। यूँ कहते ही राजेंद्र उपेंद्र को ढकेल कर भागने लगा। राजेंद्र गलियों में तेजी से चलते हुए, सब गांव से दूर जाइए, सब गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाइए, बाढ़ के कारण नदी अपने गांव को डुबो देगी, नदी हमें डुबो देगी, कहकर पुकारते हुए घूमने लगा। ये सुनकर रास्ते से चलने वाले लोग ऊपर देखकर, आसमान में एक बादल भी नहीं है, कम से कम 4 पानी के बूंद भी नहीं बरसे, लगता है ये लड़का सटिया गया है। यूँ कहते हुए वहाँ से चले गए। पुकारते पुकारते राजेंद्र को गुस्सा आया। भेड़ कसाई पे ही भरोसा करते हैं, यूँ सोचकर
सीधे उस गांव में कचरा इकट्ठा करके बेचने वाले मुकुंदा के पास जाकर, मुकुंदा मुझे तुम्हारे पास मौजूद सारे प्लास्टिक बॉटल्स चाहिए, ये लो चेक, जितना चाहे उतने पैसे लिखकर उन प्लास्टिक बोतलों को हमारे घर के पास डाल दो जल्दी, कहा कहकर एक चेक दिया। ऐसे मुकुंदा एक ट्रक भर के खाली प्लास्टिक बोतलों के साथ वहां आकर राजेंद्रा के घर के पास डालकर चले गया। उन प्लास्टिक बोतलों से राजेंद्रा पानी पे तैरने वाला एक घर बनाया। अपने परिवार को उसमें चढ़ाकर उन्हें भाड़ के बारे में बताया। बाद में भाड़ आई, पूरा गांव 10 गज के गहराई में डूब गया, घर और कार भी डूब गए। जो लोग तैराकी जानते थे वो लोग तैरते हुए बचकर जाने लगे। थोड़े लोग घरों पे चढ़कर मदद के लिए पुकारने लगे। अरुंधति, बेटा 1 किलोमीटर दूर मौजूद मार्केट में पानी सिर्फ 2 गज तक ही है कहकर मेरी दीदी फोन करके बोली सब्जियां खत्म हो गई, हम यू आराम से बोटिंग करते हुए जाकर खरीदे क्या, बोली राजेंद्र। चलो माँ, इस मौसम में चिकन करी बनाकर खाए तो मस्त रहेगा, चलो चलो आराम से घूम कर आएंगे, कहकर यूं घरों पे मौजूद लोगों को देखते हुए कहा। लोग राजेंद्र के बातों को नहीं सुनने के वजह से अपना सर पकड़ लिए।